तो ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। सब कुछ सपना सा था, बस अचानक से मूड बना और निकल पड़ी रात में अपने घर से। जाना था वैली ऑफ फ्लावर, बट रास्ते और ये पहाड़ों की वादियाँ मुझे शायद कहीं और ही ले जाना चाहती थी। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये हरी भरी वादियाँ, शीतल सी हवा हर जगह, बस खामोशी का है शास। सोचा नहीं था कभी इस हकीकत से भी रूबरू हो पाऊंगी, बट आज मैं उस जगह तक भी पहुंच गई जो कभी सपनों की दुनिया में हुआ करती थी। वही बड़े बड़े दूर तक फैले पहाड़, हर जगह हरियाली ही हरियाली, शहर के शोरगुल, लड़ाई झगड़े से दूर, और वहाँ मैं, सिर्फ मैं। आज उन्हीं सपनों को हकीकत में देखा है। पहाड़ों वाला गांव, कितने सुंदर होते पहाड़ों के गांव। वाओ, लुक एट द व्यू। बच्चे जा रहे हैं स्कूल से पढ़ के अपने घरों पे। ऋषिकेश से चलते हुए देहरादून से 20 किलोमीटर पहले पड़ता है ये एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जिवराड़ी। नाम अजीब सा है, बट यहाँ की ब्यूटी अलग ही लेवल की है। शब्द नहीं है जो मैं बता पाऊँ, बट दिखा सकती हूँ। कभी आना हो इधर तो यहाँ थोड़ा सा समय जरूर बिताना। कुछ गिने चुने घर हैं गांव में और शांत सा माहौल जो मैं हमेशा से फील करना चाहती थी। आज सब हकीकत में देखा तो यकीन सा ना हुआ। गाइस, बहुत सुंदर गांव है। जब भी आपको मौका मिले तो आप जरूर आइएगा इस गांव में। गाइस, तो आपने देखा एक बहुत ही सुंदर सा गांव। जब भी आपको मौका मिले ना तो इस गांव में जरूर आइएगा। सी, पहाड़ के बिल्कुल जस्ट नीचे इतना सुंदर गांव। वाओ, मेरे पास शब्द नहीं है बिल्कुल भी बोलने के लिए। वाओ, amazing। तो कैसा लगा आपको ये जिवराड़ी का छोटू सी ट्रिप? मुझे कमेंट करके ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी दूर चले ही थे कि मौसम ने ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बारिश, बहुत बारिश। हम रुक गए एक टी स्टॉल पर। भूख भी लगी थी और मैगी भी खाई। पहाड़ों में मैगी खाना और ऊपर से ये बारिश, बस अमेजिंग कॉम्बिनेशन है इन सब का। सफर शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है हकीकत में आप सब लोगों को दिखाने के लिए। ऐसी दूर तक कुछ भी नहीं है और इतनी अच्छी लोकेशन है कि बस पूछो मत। Flowers.
of this root. हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है. तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं. मैं चलती हूँ कुछ और अमेजिंग सी जगहों को खोजने के लिए.